हाय डार्लिंग। साहिल, तुम्हें अब टाइम मिला है मुझे फोन करने का? तुम चेन्नई कॉन्फ्रेंस के लिए क्या गए? मुझे फोन करना तक भूल गए। अरे नहीं रिया, आई एम रियली सॉरी। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था और कुछ अहम डिसीजन भी लेने थे, बस इसलिए मैं आज तुम्हें फोन नहीं कर पाया। आज सारा काम खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा साहिल तुम्हारे साथ होगा मुंबई में। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बस थोड़ा और इंतजार स्वीटहार्ट। बाय बाय। रिया, हमारा प्यार सच है या सिर्फ धोखा? अब सच सामने आ ही जाएगा। मुझे कल ही साहिल को सब कुछ बताना होगा। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आपने साहब का खून कर दिया? नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने नहीं मारा इनको। साहिल, साहिल! मेरा नाम केडी पाठक है, आपका वकील। मैंने अपने साहिल को नहीं मारा है, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने नहीं मारा है उनको। रिया, तुम्हारी केस फाइल मैंने पढ़ी, अपने बयान में तुमने कहा है कि साहिल चेन्नई गया था, फिर यहाँ मुंबई में उसका मर्डर कैसे हुआ, समझ में नहीं आया मुझे। साहिल चेन्नई में ही थे, बल्कि उनकी से कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी फोन पर, और उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो चेन्नई में है। हाँ, लेकिन वो चेन्नई में था नहीं, तो झूठ क्यों बोला उसने तुमसे? मुझे नहीं पता, मेरा साहिल मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकता। ये सब कुछ उस शेखर ने किया है। शेखर? I mean कॉफी। वैसे थैंक यू सो मच रिया जी, आपके साथ 3 दिन बिताने के बाद मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है, आप साहिल के दोस्त हैं और साहिल यहाँ पर नहीं है तो आपका ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। आपको मालूम है रिया जी, आज पहली बार मुझे साहिल से जलन हो रही है। इतना लकी है कि उसे इतनी खूबसूरत और ध्यान रखने वाली पत्नी जो मिली है। लकी साहिल नहीं, बल्कि लकी तो मैं हूँ जो मुझे साहिल जैसे हस्बैंड मिले हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। वो इतना अच्छा पति है, इसलिए आपको अकेले छोड़कर चेन्नई चला गया। वो चेन्नई अपने काम से गए हैं। हाँ, आप एकदम सही कह रही हैं। अगर वो आपको अपने साथ वहाँ पे ले जाता तो सारे मजे नहीं कर सकता था जो वो अकेले कर रहा है वहाँ पे। वैसे रिया जी, आप बहुत अच्छे हो, मेरा मतलब है इसलिए आपको साहिल भी अच्छा लगता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती साहिल की असलियत का। आपको मालूम है कि साहिल हमारे कॉलेज में कितना बड़ा कैसनुमा हुआ करता था, लड़कियों को बटाना उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। शेखर जी, साहिल कैसे थे मैं नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज वो जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। इसीलिए वो आपको बार बार धोखा देता रहता है, आपका विश्वास बार बार तोड़ता रहता है। शेखर जी, आप साहिल के दोस्त हैं, सिर्फ इसीलिए मैं इस बात का लिहाज कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं कर पाऊंगी। ठीक है रिया जी, इतना नाराज मत होइए। अरे अरे, आज के जमाने में क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर आपका पति आपके रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता बना रहा है तो आप क्या करेंगी, आप उसे छोड़ तो देंगी नहीं?
अगर वो आपको धोखा दे रहा है ना तो आप भी उसे धोखा दीजिए ना। मेरे पति साहिल का दोस्त है और उसी ने मेरे पति की जान ली। मैंने नहीं मारा उसे। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस पर भरोसा किया, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साहिल को मुझसे छीन लेगा। ये स्केच क्या शेखर की है? यही शेखर इसी ने मेरे पति की जान ली। यही है शेखर। मिस्टर राणावत, फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स की बहुत कमी है। Why don't you try your luck? खुद को बचाने के लिए कितनी माइंड ब्लोइंग कहानी बनाई है आपने। अफसोस, यहां उसका कोई फायदा नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, साहिल को शेखर ने मारा है, मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा? ओके, शेखर कहां है? मुझे नहीं पता शेखर कहां है। कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपके पास? उसका नंबर दीजिए मुझे, मैं फोन करके बुलाता हूँ उसे। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैंने कभी उससे नंबर मांगा ही नहीं। इनफैक्ट कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। Your Honor, this is silly. बहाना बनाते वक्त कम से कम ये तो देखना चाहिए कि सामने वाले आदमी की इंटेलिजेंस क्या है। ये अदालत को बेवकूफ समझती। इन्होंने उस आदमी का नंबर नहीं लिया जो उनके पति के दोस्त है। इतने अच्छे दोस्त कि जब उनके पति जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका ख्याल रखें। चलिए ठीक है, आपको मिस्टर शेखर का नंबर लेने का कभी मौका नहीं मिला, पर ये कहानी का प्लॉट बनाते वक्त आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अदालत आपसे शेखर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगी? मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। आप कहानी बना रही हैं या नहीं, सच बोल रही हैं या नहीं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। Your Honor, ये साबित करने के लिए मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहता हूँ। अर्थ टावर के सिक्योरिटी गार्ड गोविंद। इजाजत है। तो आप अर्थ टावर के सिक्योरिटी गार्ड? सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। तो फिर तो वहां जो भी आता जाता होगा उसे बड़े ध्यान से देखते हो। जी। टन टन, यही है ना वो मिस्टीरियस मिस्टर शेखर? ध्यान से देखिए सर, क्या ये आदमी आपकी बिल्डिंग में आया? नहीं सर,
कभी नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, गोविंद का कहना है कि उन्होंने कभी शेखर को नहीं देखा। तो फिर वो बिल्डिंग में आया और गया कैसे? शायद वो कोई अदृश्य आदमी है योर ऑनर। मिस्टर इंडिया विद द मैजिकल वॉच। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। गोविंद ने शेखर को बिल्डिंग में आते हुए इसलिए नहीं देखा योर ऑनर, क्योंकि शेखर नाम का कोई आदमी है ही नहीं। Your witness. गोविंद जी, आप अर्थ टावर्स के चीफ सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते वहां 24 घंटा ड्यूटी करते हैं? नहीं सर, मेरी ड्यूटी 12 घंटे होती है। अच्छा, सिर्फ 12 घंटे जी। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते क्या आप वो 12 घंटे अटल वहीं खड़े रहते बिना हिले हुए? ये कैसे मुमकिन है सर, बीच बीच में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? बोलिए। अच्छा, वाह वाह, वहां जाना पड़ता है। तो योर ऑनर, हो सकता है कि जब हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गोविंद जी को जाना पड़ा हो और वो गए हो, उस वक्त शेखर ने बिल्डिंग में प्रवेश किया, ऐसा हो सकता है मिस्टर केडी, पर अनफॉर्चुनेटली इस केस में नहीं। योर ऑनर, जब गेट पर गोविंद खड़े नहीं होते तो कोई और गार्ड खड़ा होता है, और सारे गार्ड्स का यही कहना है कि उन्होंने कभी शेखर को नहीं देखा। इनफैक्ट उनके गेस्ट रजिस्टर में शेखर नाम की कोई एंट्री ही नहीं। मिश्रिया की इस माइंड ब्लोइंग कहानी का सबसे बड़ा झूठ यह है योर ऑनर, कि इनके पति साहिल कभी चेन्नई गए ही नहीं। गोविंद, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सर, साहिल साहब कहीं नहीं गए थे, वो यहीं थे। मैं उन्हें रोज ऑफिस जाते और घर वापस आते देखता था, और जिस रात उनका खून हुआ उस रात भी मैंने उनको देखा था, बहुत गुस्से में थे। नमस्ते साहब। मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक को शायद इस बात पर विश्वास नहीं हुआ योर ऑनर, इसलिए मैं 3 अगस्त की फ्लाइट डिटेल्स लेकर आया हूं योर ऑनर। ये 3 अगस्त की पैसेंजर लिस्ट है, मुंबई से चेन्नई जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट। इसमें उन सब पैसेंजर्स के नाम है जो उस दिन मुंबई से चेन्नई गए। इसमें एक नाम नहीं है योर ऑनर, मिस्टर साहिल का। मिस्टर साहिल, इससे यह बात साबित हो जाती है योर ऑनर कि मिस रिया झूठ बोल रही है, और वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि उन्होंने अपने पति का खून किया, और यह बात मैं साबित कर सकता हूं योर ऑनर। पांच अगस्त की रात को तुमने जो भी देखा या सुना वो अदालत को बता। ये उस रात जब साहिल साहब गुस्से में अपने घर गए, तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैंने उनके घर से झगड़े की आवाज सुनी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। समझते क्या हो तुम खुद को? इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ऐसी आवाज मैंने उनके घर से पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं सोच ही रहा था कि क्या हुआ होगा, तभी रिया मैम की चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी, तो मैं झट से उनके घर की तरफ दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा कि साहिल साहब की लाश पड़ी हुई थी, उनके गले में टेलीफोन की वायर लिपटी हुई थी, और उसका सिरा रिया मैडम के हाथ में था। योर ऑनर, यही वो वायर है जिससे गला घोटकर मिश्रिया ने अपने पति की जान ले ली। अनफॉर्चुनेटली इस वायर पे फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आते योर ऑनर, पर मेरे पास ऐसे कई और गवाह हैं जो इस बात को कंफर्म करेंगे कि खूनी मिश्रिया है। मेरे अगले गवाह मिश्रिया के फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले उनके पड़ोसी मिस्टर रोहन।
5 अगस्त की रात को आपने क्या देखा? यही औरत है जज साहब जिसने अपने पति को मारा है। योर ऑनर, मेरे पिछले दो गवाहों का यह कहना है कि जब वो उस कमरे में पहुंचे तो वायर का एक सिरा मिश्रिया के हाथ में था और दूसरा सिरा उनके पति मिस्टर साहिल के गले में लिपटा हुआ था। मिस्टर साहिल मर चुके थे योर ऑनर। योर विटनेस। अमर जी, हम सब जानते हैं कि इसी वायर से साहिल की मौत हुई है, लेकिन क्या आपको याद है कि किस तरीके से ये साहिल के गले पे लिपटा हुआ था? जी सर। जरा बताएंगे? जी। सर, इस तरीके से लिपटा हुआ था। इस तरीके से? अच्छा मिस्टर अमर, अभी आपके अंदाजे से बताइए कि रिया को कितनी ताकत से खींचना पड़ा होगा कि साहिल की जान चली गई। मैं जवाब देने में आपकी मदद करूं? लाइए। जी सर। ऐसा या इतनी जोर से? पागल हो गए क्या? फ्रीज प्रोसिक्यूटर साहब, बिल्कुल ऐसे ही रहना। केडी, तुम कहना क्या चाहते हो? योर ऑनर, क्या मिस्टर राणावत और अमर को देखकर इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि मिस्टर राणावत अमर की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मिस्टर राणावत उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही मेरे मुवक्किल रिया के साथ भी हुआ। जब इन गवाहों ने उन्हें देखा तब वो अपने पति के गले से वायर निकालने की कोशिश कर रही थी, ना कि उन्हें मारने की कोशिश। अदालत का ध्यान हटाने के लिए ये नौटंकी का आइडिया बहुत अच्छा था मिस्टर पाठक। चलिए कुछ देर के लिए हम आपकी थ्योरी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यह खून मिश्रिया ने नहीं किया, तो सवाल यह खड़ा होता है कि यह खून किसने किया? क्या इसका जवाब हमें फिर से मिस्टर इंडिया उर्फ मिस्टर शेखर देंगे? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, कत्ल शेखर ने किया है, शेखर ने। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? योर ऑनर, मिश्रिया ने अपनी कहानी में हमें बताया कि मिस्टर शेखर उनके घर पर आए, उन्होंने कॉफी पी, अपनी फिल्म के विलन की तरह उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उन्होंने फिल्म की हीरोइन की तरह उन्हें धक्का दिया, उनका सर एक लैंप से टकराया और वो गिर गए। डॉक्टर रस्तोगी जी, मिश्रिया के घर पर जो कॉफी मग्स आपको मिले उस पर किसके फिंगरप्रिंट्स थे? एक कॉफी मग पर रिया के फिंगरप्रिंट्स मिले और दूसरे पर साहिल के। लैंप शेड पर किसके खून का निशान मिला? लैंप पर भी साहिल का ही खून है। ये आप क्या कह रहे? वो कॉफी शेखर ने पी थी और चोट भी शेखर को लगी थी, साहिल को नहीं। योर ऑनर, मिश्रिया झूठ बोल रही है। शायद इन्हें लगता है कि बार बार झूठ कहने से सच झूठ में बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा योर ऑनर। ये खून मिश्रिया ने ही किया है। योर ऑनर, हर कत्ल का मकसद होता है और रिया के पास अपने पति को मारने की कोई वजह नहीं। वजह है योर ऑनर, बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि मिश्रिया को किसी और से प्यार है, और जिससे प्यार हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साहिल के ऑफिस में काम करने वाले उनके सीनियर, उनके बॉस मिस्टर पुर्णेंदु है। आप मिश्रिया को जानते हैं? जी, रिया मेरे कलीग साहिल की पत्नी है। क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? चलिए इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। किस तरह के इंसान है वो?
रिया एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्वीट है। स्वीट तो वो होंगी ही, तभी तो रोज आप उनसे किसी ना किसी कॉफी शॉप या मॉल में मिलने जाते। योर ऑनर, इनके इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, पर मिस रिया इतनी हेल्पफुल और इतनी स्वीट है कि इनकी वाइफ के मरने के बाद वो अकेले इनसे इनके फ्लैट में मिलने के लिए जाती थी। हाउ नाइस। बस कीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने साहिल को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं पुर्णेंदु जी को सिर्फ इंसानियत के नाते मिलती थी। पुर्णेंदु जी की पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उनकी मौत के बाद उन्हें अकेला बनना खले सिर्फ इसलिए उनसे मिलने जाया करती थी, सिर्फ यही कारण था और कुछ नहीं। आपकी बात मान लेते। योर ऑनर, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक और गवाह को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर साहिल और रिया के पड़ोसी मिस्टर आनंद को। आप साहिल को कैसे जानते थे? जी, साहिल और मैं कॉलेज के समय से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे कि हम मुंबई भी साथ ही आए थे और साथ ही रहा करते थे, यहाँ तक कि हमने फ्लैट भी एक ही बिल्डिंग में लिया। साहिल ने सेकंड फ्लोर पे और मैंने थर्ड फ्लोर पे। तो आप साहिल के साथ ही काम करते थे? जी नहीं, मैं थिएटर डायरेक्टर हूँ, प्लेस डायरेक्ट करता हूँ। आप साहिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, साहिल और उनकी पत्नी के बीच में संबंध कैसे थे? जी, साहिल रिया को बहुत प्यार करता था, दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। और साहिल जैसे इंसान के साथ किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो हर चीज में परफेक्ट था, स्टडीज, थिएटर, आर्ट, एक्टिंग, मिमिक्री। मुझे लग रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ सही है, लेकिन लेकिन जब वो मुझे आखिरी बार मिला तब वो काफी परेशान था, उसे लग रहा था कि रिया उसे धोखा दे रही है, उसे लग रहा था कि रिया और पुर्णेंदु के बीच कुछ चल रहा है। ओह, साहिल को लग रहा था कि यकीन था, उसे विश्वास था और इसीलिए वो काफी परेशान रहता था। थैंक यू योर ऑनर। अब पूछने और साबित करने के लिए क्या बाकी बचा है? मिस रिया अपने पति को धोखा दे रही थी योर ऑनर, जब उनके पति को पता चला तो उन्होंने उनका खून कर दिया। अब वो कहानियां बना रही हैं कि ये खून किसी और ने किया है, किसी शेखर ने, पर कौन है ये शेखर और है भी या नहीं हम नहीं जानते, और अगर है तो उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता? आज पहली बार अदालत में मुझे खामोश रहना पड़ा क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं, और इसकी वजह तुम हो रिया। केड़ी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको जो कुछ भी कहा सब कुछ सच बताया। मैंने नहीं कत्ल किया साहिल का, उसे शेखर ने मारा। क्या शेखर? शेखर शेखर कौन? शेखर कहाँ है? शेखर, मैंने साहिल के सब दोस्त, सब कलीग से बात की, कोई किसी शेखर को नहीं जानता। देखो रिया, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कोई शेखर है तो उसके बारे में कुछ बताओ, अता पता, नंबर, ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, नहीं तो फांसी हो जाएगी तुम्हें। केडी, मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता मुझे शेखर के बारे में। केडी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने खून नहीं किया, शेखर है असली कातिल, उसने मारा है मेरे साहिल को, मैंने नहीं मारा। फिर से शेखर, अभी कहां ढूंढूं इस शेखर को?
चिड़िया है क्या? तू चल, मैं आता हूं। ठीक है योर ऑनर। उस दिन अदालत में मेरे मुवक्किल रिया पर यह इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने अपने पति का कत्ल किया है। करेक्शन मिस्टर पाठक, मैंने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया था, मैंने साबित भी कर दिया था कि खून इन्होंने ही किया है। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे अटल नियम है मिस्टर रणावत। हां, वो दिन आपका था लेकिन आज मेरा है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? यही योर ऑनर, जो रिया इस केस के शुरुआत से कहती आ रही है कि ये बेगुनाह है, इन्होंने अपने पति का कत्ल नहीं किया, कातिल कोई और है। ओह कम ऑन मिस्टर पाठक, वो हर मुजरिम जो उस कटघरे में खड़ा होता है वो यही कहता है। आपके यूं कहने से अदालत इस बात पर विश्वास नहीं करेगी, हमें सबूत चाहिए। सबूत लाया हूं ना अपने साथ मिस्टर रणावत, चलता फिरता जीता जागता सबूत। जो ये साबित कर देगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। यहीं खड़े खड़े आपने कहा था ना कि कौन है शेखर, और अगर शेखर है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। तो शेखर को मैं अपने साथ लेकर आया हूं मिस्टर रणावत। अगर आपकी इजाजत हो योर ऑनर, मैं शेखर को बुलाना चाहूंगा। इंस्पेक्टर दवे। शेखर है साहिल का दोस्त, इसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। अपने बयान में इसने कहा है कि हां ये कत्ल में भागीदार है, लेकिन इसने जो किया मजबूरी में किया, कातिल दरअसल कोई और है। शेखर अदालत को बताओ कि किसने मजबूर किया तुम्हें, कौन है साहिल का असली कातिल? क्या इस वक्त वो अदालत में मौजूद है? कौन है वो, उसका नाम बताओ। डायरेक्टर आनंद मिश्रा। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तो नहीं जानता। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है यहां कटघरे में आके कहिए। जसाब, ये आदमी झूठ कह रहा है, मैं इसे नहीं जानता। योर ऑनर, शेखर के बयान के मुताबिक शेखर, आनंद और साहिल एक दूसरे को पहले से जानते थे। जब शेखर की नौकरी लगी तो उसका बाकी दोनों से कांटेक्ट छूट गया। 3 हफ्ते पहले बैंगलोर में आनंद के प्ले के दौरान शेखर की मुलाकात फिर आनंद से हुई। दोनों में बातचीत हुई और दोनों को यह एहसास हुआ कि दोनों की परेशानी एक ही है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। और यही कारण था योर ऑनर कि ये दोनों जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। साहिल की 1.5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी योर ऑनर, जिसमें धोखे से आनंद और शेखर ने बतौर नॉमिनी अपना नाम लिखवा लिया। बट योर ऑनर, जब तक साहिल नहीं मरता उन दोनों को ये रुपए कैसे मिलते?
इसीलिए जाओ तुम यहां से। तुम क्या कर रहे हो यहां पे? Your Honor, आनंद और शेखर ने मिलकर साहिल का कत्ल किया, लेकिन इल्जाम मेरे मुवक्किल रिया पर है, क्योंकि रिया और साहिल उस दिन लड़ रहे थे। नहीं जैसा, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। आपको फंसाया जा रहा है? आपका साथी शेखर आपके जुर्म का जीता जागता सबूत है। अनफॉर्चुनेटली आपका सच सबके सामने आ चुका है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इकबाल जुर्म कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान धोखेबाज है और ये शेखर नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ कह रहा है और आप इसके कहने पर मुझे जेल में नहीं जा सकते। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको फंसाया जा रहा है? आपका साथी शेखर आपके जुर्म का जीता जागता सबूत है। अनफॉर्चुनेटली आपका सच सबके सामने आ चुका है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इकबाल जुर्म कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान धोखेबाज है और ये शेखर नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ कह रहा है और आप इसके कहने पर मुझे जेल में नहीं जा सकते। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर इसे क्या मिलेगा? इसकी किए की सजा तो इसे मिलेगी, और इसने आपके साथ मिलकर साहिल का कत्ल किया है। नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, और ये शेखर है ही नहीं, ये शेखर हो भी नहीं सकता। शेखर नहीं है का क्या मतलब? शेखर हो नहीं सकता का क्या मतलब? इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप कि ये शेखर नहीं है? ये शेखर कैसे हो सकता है? शेखर तो साहिल था और साहिल तो मर चुका है। ऑर्डर ऑर्डर। शेखर तो साहिल था और साहिल मर चुका है। मैं जानता था, सिर्फ आपकी जुबान से सुनना चाहता था। योर ऑनर, आनंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। योर ऑनर, शेखर और साहिल दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही इंसान है। शेखर साहिल का एक रूप है और यह रूप साहिल को आनंद नहीं दिया था। इस पूरे खेल का रचयिता आनंद है। योर ऑनर, रिया ने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि शेखर की आंखें नीली हैं। मुझे रिया के घर नीले कलर की लेंस मिली। तभी योर ऑनर मुझे शेखर के होने का एहसास हुआ। उसके बाद मुझे उसी जगह से एक लेटेक्स का टुकड़ा मिला। लेटेक्स योर ऑनर मास्क बनाने के काम आता है। सबसे अजीब बात, जब रिया चिल्लाई तो बिल्डिंग के सारे लोग वहां आ गए सिवाय आनंद के, जबकि ये रिया और साहिल के एक फ्लोर ऊपर ही रहते हैं। इसीलिए मैं आनंद से मिलने इनके घर गया। जी कहिए। जी मेरा नाम केडी पाठक है। वो नीचे मिस्टर मल्होत्रा का जो मर्डर हुआ है बारे में आनंद जी से बात करें। साहब बस आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाइए। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। आप कुछ लेंगे? दरअसल थोड़ा हेडेक है, अगर चाय मिल जाती तो। जी मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू।
हाँ आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कुछ खास बात थी? हाँ नहीं, दरअसल नीचे आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, सोचा आपसे मिलता चलूं। मुलाकात हो गई, चलता हूँ। सी यू इन कोर्ट। आनंद जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी किताब द प्ले ऑफ द मास्क बड़ी मदद की मेरी, उस किताब ने इस केस को सुलझाने में। उसके बाद योर ऑनर, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करने से पता चला कि साहिल के 1.5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस है, जिसकी नॉमिनी उनकी धर्म पत्नी रिया है। लेकिन सरप्राइजिंगली, कत्ल के एक दिन पहले उस पॉलिसी पर नॉमिनी का नाम बदलकर आनंद का नाम आ गया। अच्छा खेल खेला आपने, बट कमाल की कोइंसिडेंस है आनंद जी, कि इस किताब को पढ़कर आपने ये खेल शुरू किया और इसी किताब को पढ़कर मैंने आपका खेल खत्म कर दिया। और उसी किताब को पढ़ने के बाद योर ऑनर, मुझे लेटेक्स मास्क के बारे में पता चला। लेटेक्स का टुकड़ा तो पहले ही मुझे क्राइम सीन पर मिल चुका था, और हां, वो आसपास पानी ना होने के बावजूद बुकशेल्फ के गीले होने का कारण। शक तो मुझे था, लेकिन शक को यकीन में बदलने के लिए मुझे एक बार फिर से आनंद के घर जाना पड़ा। यही वो मास्क है योर ऑनर, जिसे पहनकर साहिल शेखर बना। इस मास्क को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे बर्फ में डाल दिया जाए, और यही आनंद ने किया। और ताकि घर में कोई नौकरानी या कोई और इसे देख न ले, इन्होंने बड़ी चालाकी से इसे आइस बॉक्स में छिपाकर उस बॉक्स को किताबों के पीछे बुक शेल्फ में छिपा दिया। एम आई राइट मिस्टर आनंद? मैं साहिल का पैसा चाहता था, और इसीलिए मैं मौके की तलाश में था। मुझे मौका मिला जब साहिल को रिया के ऊपर शक हुआ, पर उसका शक बिल्कुल बेबुनियाद था। लेकिन कहते हैं ना कि शक जितना बेबुनियाद होता है उतना मजबूत भी। लेकिन उस रात जब रिया ने शेखर के करीब आने की हर कोशिश को नाकामयाब कर दिया, तब उसे विश्वास हो गया कि रिया सिर्फ उससे ही प्यार करती है। इससे पहले कि वो सारी हकीकत रिया को बताता, मैं वहां पहुंच गया और मैंने उसे मार दिया। जाओ तुम यहां से। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आनंद को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और रिया को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
केडी, इन्हें केडी का मतलब बताया? किन्हें? इन्हें? इन्हें? नहीं अभी तक तो नहीं, जल्दी बताऊंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.